तो बहुत दिनों से हमारे बहुत सारे मित्र ने बोला था कि आप फिश स्टॉक पे वीडियो बनाइए। तो ये 21 अगस्त 2024 का लाइव एक्वेरियम गार्डन का फिश स्टॉक है। एक और शॉप का आएगा फिश स्टॉक, संगीता एक्वेरियम का, जल्द ही, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जिस दिन स्टॉक आएगा तो मैं उस दिन जाऊँगा वीडियो बनाने, फिर आप सबको दिखाऊँगा, ठीक है। देखिए इसकी प्राइसिंग के ऊपर अगर बात करें तो आप सब शॉपकीपर वाले से पूछ लीजिएगा प्राइसिंग, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूँगा और एड्रेस भी दे दूँगा। चलिए पहले टैंक से शुरुआत करते हैं। तो इसमें दो प्रकार की आपको फिशेस मिलेगी, एक तो अल्बाइनो ऑस्कर है और एक आपकी प्लेको फिशेस है। प्लेको फिशेस को काई खाने वाली मछली भी बोलते हैं, और शानदार अल्बाइनो ऑस्कर आपको दिख रहा होगा, तो आई थिंक ये 200 के आसपास मिल जाएगा सिंगल, और प्लेको तो मुझे लगता है 40-50 में मिल जाएगा, ठीक है। मैं ये अपना अप्रॉक्सीमेटली दाम बता रहा हूँ। दूसरा टैंक भी ऑस्कर का ही टैंक है, और इसमें छोटी वाली ऑस्कर है, तो वो 200 की मिल सकती है। तो ये मुझे लगता है 100 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आप छोटे से 2 से 3 इंच की बेबी ऑस्कर चाहते हैं तो आपको अभी मिल जाएगा, अवेलेबल है। और ये सारा अल्बाइनो ऑस्कर है, बहुत ही एक्टिव भी है और सही दिख भी रही है, तो आप जाकर ले सकते हैं, बहुत ही शानदार मछली होती है ऑस्कर। चलिए अगला फिश स्टॉक हम सब देखते हैं, ये है आपका ब्लैक गोल्ड, और ब्लैक गोल्ड अवेलेबल है अभी, आप ले सकते हैं ब्लैक गोल्ड। और इसके साथ कुछ आपको कलरफुल फिशेज भी दिख रही होगी, वो शुभमकीन फिशेज है, तो शुभमकीन और ब्लैक गोल्ड का मिश्रण है ये, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपकी ब्लैक गोल्ड अवेलेबल है अभी, और शुभमकीन भी। तो देखिए प्राइसिंग वगैरह एकदम कम होगा इसका 40-50 रुपये में आई थिंक मिल जाएगा, आप जाकर जरूर पूछ लेंगे। और अभी ये 21 अगस्त 2024 का मैं आपको फिश स्टॉक दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्राइसिंग बार बार चेंज होते रहते हैं, इस वजह से मैं नहीं पूछा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टैंक है गुरामी का टैंक, इसमें आपको 2-3 वेरायटी की गुरामी फिशेज मिल जाएगी, जिसमें आपको देख सकते हैं 3 स्पॉटेड गुरामी है, ठीक है। इसमें एक आता है पर्ल गुरामी, वो इनके पास अभी अवेलेबल नहीं है, बाकी 3 हनी गुरामी है। तो 3 प्रकार की गुरामी है, सस्ती मछली होती है, प्लांटेड एक्वेरियम के लिए सुटेबल होती है, आप रख सकते हैं। इसकी कलर वगैरह बिल्कुल शानदार होती है, और ब्लू अगर बैकग्राउंड है जैसा कि इस टैंक में है तो आपको और खूबसूरती इसका नज़र आएगा। एक जाइंट गुरामी आता है, वो बहुत बड़ा गुरामी आता है, वो इतने छोटे से टैंक के लिए नहीं बना है। पर अगर आप गुरामी फिशेज रखना चाहते हैं तो वन ऑफ द हार्डिएस्ट फिश है, टीम फॉइल बाप फिशेज के बाद अगर कोई फिशेज हार्डिएस्ट है, मतलब नहीं मरने वाली जल्दी से, तो वो हमारी गुरामी फिशेज है, ये सारी आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट फिशेज है शुभमकीन फिशेज, तो शुभमकीन फिशेज को आपको गोल्ड फिशेज या कोई कार्प फिशेज के साथ नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये अपनी तरह की एक अच्छी क्वालिटी की फिशेज होती है, और ये बहुत ही हार्डी फिश होती है, मतलब गोल्ड फिश से कहीं ज़्यादा हार्डी फिश होती है। अगर आप खूबसूरत वाला कोई मछली रखना चाहते हैं और उसमें अगर आप गोल्ड फिश नहीं रखना चाहते हैं, आप ये वाला मछली ट्राई कर सकते हैं जिसका नाम है शुभमकीन फिशेस। बहुत ही सस्ती मिलती है, चीप रेट में मिलती है, और लेकिन ये बहुत ही टिकाऊ मछली होती है। तो एक शानदार सा टैंक अगर आप सेटअप करेंगे तो इसी का सिर्फ सेटअप कीजिए, शुभमकीन फिशेस का, ठीक है। सब फिशेस का बिहेवियर अलग अलग होता है, सबको एक में नहीं मिलाना चाहिए, तो शुभमकीन फिश आप रख सकते हैं आराम से, अभी अवेलेबल भी है, मिल भी जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिशेज है एक और गुरामी की वेराइटी, इसका नाम है किसिंग गुरामी, ठीक है। ये अभी आपको दिखने में बहुत ही छोटी लग रही होगी क्योंकि 2 से 3 इंच इसकी लंबाई है, लेकिन ये एक्चुअल में 1 फीट से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसको कम से कम आपको 2 से 3 फीट के एक्वेरियम में रखना पड़ेगा, मतलब 3 फीट अगर रखेंगे तो फिर शानदार हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी, वाइट वाइट। पीछे अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड दे दें तो उसके बाद और शानदार नज़र आएगी, देख ही सकते हैं। तो ये है हमारी किसिंग गुरामी, शानदार मछली होती है, अवेलेबल है अभी, आराम से मिल भी जाएगा। तो ये है किसिंग गुरामी, इसकी प्राइसिंग वगैरह कम ही होती है। बढ़ते हैं आगे। तो अभी गोल्ड फिश को सबसे ज़्यादा जो सेल आउट में बीट किया है वो है आपकी वीडो टेट्रा। गोल्ड फिश को इसने रिमूव कर दिया है, सेल आउट कर दिया है, ठीक है। बहुत लोग अब वीडो टेट्रा खोजते हैं जिसको ग्लो फिश भी बोलते हैं, क्योंकि ये 12 से 14 वेराइटी में आती है कलर में, और यहाँ पर भी आपको 3 से 4 वेराइटी की आपको दिख रही होगी मछली, और अभी अवेलेबल है, आराम से मिल सकता है। 20 से लेकर 25 रुपये इसका दाम होता है सिंगल का, आप आराम से एक छोटे से टैंक से शुरुआत कर सकते हैं, 1 फीट के टैंक से लेकर के ये 3 फीट 4 फीट के टैंक में भी आराम से रहेगा। तो ये है वीडो टेट्रा जिसका नाम है ग्लोफिश, बस इसका थोड़ा फिल्टर वगैरह सही रखेंगे तो आपकी ग्लोफिश काफ़ी अधिक दिन तक टिकेगी। इसका फेवरेट फूड होता है टेट्रा बीट्स, तो इसे आप टेट्रा बीट्स फूड देंगे तो इसका कलर जो है जैसा जोन सा कलर आप लेंगे वैसा कलर बना रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस टैंक में आपको बिग साइज की 3 स्पॉटेड गुरामी मिल जाएगी, तो गुरामी की एक और प्रजाति आपके सामने विचरण करती हुई नज़र आ रही है, देख ही पा रहेंगे, और ये बड़ी साइज में है, तो दाम इसका बड़ा नहीं रहता है, बस साइज बड़ा होने से दाम बड़ा नहीं हो जाएगा। आराम से ये सब सस्ती मछली है, मिल जाती है 20-25-30 रुपये में, तो आप जाकर रख सकते हैं, हार्डी फिश भी होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिशेज है आपकी
टीम फॉइल बाप फिशेस, टीम फॉइल बाप फिशेस आप देख सकते हैं वन ऑफ द हार्डिएस्ट फिश है। न्यू टैंक लाएं तो सबसे पहले यही वाला फिश आप ऐड करें। ये फिश ऐड करने से बहुत सारा दिक्कत समस्या समाप्त हो जाएगा कि आपकी फिशेस डेथ नहीं होगी, बेनिफिशियल बैक्टीरिया शानदार बनेगा और सस्ती भी मिलती है, तो 20-25 रुपए में मिल जाती है, तो जरूर रखें टीम फॉइल बाप फिश। बढ़ते हैं अगली मछली की ओर, तो इसमें सिकलेट वैरायटी की फिशेज है। अभी आप थोड़ी देर पहले अल्बाइनो ऑस्कर देखे थे, तो यहाँ पे रेड चिली ऑस्कर भी अवेलेबल है अभी और शानदार साइज में भी अवेलेबल है। इसमें अफ्रीकन सिकलेट भी आपको मिल जाएगा और नॉर्मल वाली टीम फॉइल बाप फिशेज भी मिल जाएगा और रेड पैरेट भी मिल जाएगा। प्राइस वगैरह आप सब खुद ही पूछ लेंगे वहाँ पे। तो 3-4-5 वेरायटी की है। शॉर्ट बॉडी फिशेज भी इसमें आपको नजर आ रही होगी, शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न उसको बोलते हैं। तो ये सारी फिशेज है, ऑस्कर, सिकलेट, टीम फॉइल बाप और उसके बाद आपका आ गया शॉर्ट बॉडी, तो आपको यहाँ पे अवेलेबल अभी मिल जाएगा। ये सारी सिकलेट वैरायटी की फिशेज आपको नजर आ रही होगी। तो ऑस्कर की 2-3 वैरायटी अभी है, टीम फॉइल बाप फिशेज की भी 2 वैरायटी है। अफ्रीकन सिकलेट का सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फिश अवेलेबल है। बाकी पैरेट फिशेज तो है ही, पैरेट फिशेज को अगर जब भी रखते हैं तो कम से कम उसके लिए हाइडिंग प्लेस ज़्यादा से ज़्यादा रखें। हाइडिंग प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपकी पैरेट फिशेज बहुत ज़्यादा फाइट करेगी। उसका नेचर में है हमेशा अपने टेरिटरी को लेकर के फाइट करना। बाकी सिकलेट वैरायटी की फिशेस का भी वही आदत होता है, तो इसको आप देख लेंगे। तो ये सारा हो गया फिशेस, प्राइसिंग वहाँ आप पूछ लेंगे आराम से। तो ये खूबसूरत सा टैंक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टैंक की ओर। नेक्स्ट जो फिशेस है वो बहुत ही खूबसूरत फिशेस है, इसका नाम है मार्वल एंजल फिशेस और इसमें वेलटेल एंजल भी है और नॉर्मल वाली एंजल भी है। एक बात हमेशा आप ध्यान देंगे, जो वेलटेल एंजल है यानी जिसकी जो पूंछ बड़ी है उसके साथ आप नॉर्मल एंजल फिशेस नहीं रखेंगे। याद रखेंगे कि आपका जो छोटा वाला पूंछ वाला मछली है एंजल फिशेस वो छोटे वाले के साथ रखेंगे, बड़ी वाली जो है जिसको वेलटेल एंजल्स बोलते हैं उसको आप अलग रखेंगे टैंक में, नहीं तो फिर दोनों फाइट करेगी और उनमें से ज़्यादातर चांसेस रहता है कि वेलटेल एंजल्स की डेथ हो जाती है। ऐसा मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता दिया। बहुत सारे लोग खूबसूरती के चक्कर में मिक्स कर लेते हैं बड़ी पूंछ वाली मछली भी और छोटी पूंछ वाली मछली भी, उसमें उनको लॉस हो जाता है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, दोनों को आप अलग अलग रख सकते हैं, ये आप ध्यान देंगे। तो एंजल फिशेज है, चलिए अब कुछ और आखिरी टैंक बचा हुआ है देख लेते। इस टैंक में आपको मिल्की कोई फिशेस, इसके अलावा रेड टेल शार्क फिशेस मिल जाएगा और अल्बाइनो रेड टेल शार्क फिशेस भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अल्बाइनो प्लैको फिशेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इन 4 फिशेस को आप रख सकते हैं। तो रेड टेल शार्क या अल्बाइनो रेड टेल शार्क जो है अगर आप रखेंगे तो सिंगल रखा करें, जो आपको लाल पूंछ वाली मछली नजर आ रही होगी उसको आपको सिंगल रखना है, यानी 4-5 नहीं रखना है, नहीं तो फाइट करेगी, ये भी इसका बिहेवियर में शामिल है। अब मिल्की कोई कार फिशेज रख रहे हैं तो 3 फीट के एक्वेरियम में रखें और ब्लू लाइट लगा के रखें तो इसकी खूबसूरती अलग नज़र आएगी, इतना मैं आपको बता दिया। चलिए आखिरी टैंक अब हम सब देखते हैं, जो कि कुछ फिश स्टॉक बचे हुए हैं उसको हम सब देख लेते हैं। तो इसमें आपको शार्क मिल जाएंगे बड़ी वाली, कोई कार फिशेज मिल जाएगा बड़ा वाला, ये सारा शांत मछली है और 4 फीट का एक्वेरियम में दोनों का आप सेटअप कर सकते हैं, अच्छा दिखेगा। तो ये था आपका 21 अगस्त 2024 का आपका लाइव एक्वेरियम गार्डन का पूरा फिश स्टॉक। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मैं बीच बीच में जरूर आप सबके लिए बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। दूसरी बात, एक और शॉप है वहाँ पे संगीता शॉप, तो उनका जल्द ही वीडियो आएगा, आप सब चैनल पर बने रहें। और कोई भी क्वेरीज होगा तो मैं नंबर दे देता हूँ हर एक शॉपकीपर वाला का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के संपर्क साध सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। और अपने घर का जो टैंक है उसका भी जल्दी अपडेट आपको देखने को मिलेगा।